Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Kia Seltos. Today I have two cars. One is Kia Seltos and other one is Hyundai Creta. This is BS6. This is BS6. This is BS6 and that is BS4. और जो किट लगाया, देखो ये 8 इंजेक्टर गाड़ी है और वो 4 इंजेक्टर है. जो किट इसके अंदर लगाया मैंने, मीजो BS6 8 इंजेक्टर किट लगाया मैंने. मतलब वन ऑफ माई बेस्ट इंस्टॉलेशन इन किया सेल्टोस. मज़ा आ जाएगा. एक बार फिटिंग देखो आप. जो किट है, दिस इज़ 8 इंजेक्टर किट. पेट्रोल में 8 इंजेक्टर होने के कारण अगर मैं 4 इंजेक्टर किट लगाऊं तो इसमें वो मज़ा नहीं आएगा. इसमें 8 इंजेक्टर किट लगाया हूं मैं. इसमें इंजेक्टर 8 लगे हैं. नॉर्मली आप देखेंगे 4 इंजेक्टर किट में इंजेक्टर 4 होते हैं, इसमें 8 इंजेक्टर है और 8 इंजेक्टर से गैस फाइनली पंप हो रहा है. इस पे ECM जो लगाया मैंने, 8 इंजेक्टर ECM लगाया. कोई 4 इंजेक्टर ECM और 8 इंजेक्टर डिवाइस नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, 8 इंजेक्टर ECM है. इस गाड़ी के अंदर देखो, हर एक गाड़ी में मेरा जो कारीगरी है वो सारा वायरिंग है. इस गाड़ी के अंदर भी मैंने वही कारीगरी दिखाया मैंने आपकी यहाँ से देखो आप. इसके अंदर एक तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया ताकि इनको कहीं भी किसी भी गियर पे या स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. और यहाँ से आप वायरिंग देखो आप, ये वायरिंग आपका स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, ये वायरिंग आपका स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव्ड प्रॉपर. और ये आपका ECM से भी आपकी जो वायरिंग जा रहा है, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में प्रॉपर. दिस इज़ द क्वालिटी. सेम जैसे किया ने अपनी वायरिंग कर रखा है, सेम वैसे ही हमने दे रखा है. यहाँ हमने गैस का फिल्टर लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज फिल्टर होके जाए. और ये बगल में आपका मैप सेंसर है और ये रिड्यूसर है डबल स्टेज का. और ये फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है. पंप नहीं, सॉरी, गैस सिलेंडर पे जा रहा है. पंप तो यहाँ से हो रहा है इंजेक्टर से. दिस इज़ द क्वालिटी. जस्ट सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग. आपको लगेगा जैसे किया ने खुद लगा के दिया है. ज़बरदस्त फिटिंग है. और जैसी फिटिंग उतनी, उससे बढ़िया आपकी गाड़ी ही चाल होगी. आई टेक अ चैलेंज, दिस कार इज़ गोइंग टू रन एज सेम एज पेट्रोल एंड इवन बेटर देन पेट्रोल. बहुत लोग कहते हैं वाई बेटर देन पेट्रोल, बिकॉज पेट्रोल के अंदर डायनेमिक एडवांसर नहीं है. दिस एडवांसर वर्क्स ओनली इन CNG एंड दिस गिव्स द बूस्टअप. ये बूस्टअप देगा CNG के अंदर केवल, पेट्रोल पे नहीं. मज़ा आएगा गाड़ी चला के विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज. इज गोइंग टू सेव 50% ऑफ द मनी. जैसे जिस बंदे को देखो, इन गाड़ियों में एवरेज क्या है, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, लोकल के अंदर 17-18 की एवरेज है, हाईवे पे 25 प्लस है. जैसे मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैं अगर आपके मान लो डेली 1000 रुपये लग रहा है पेट्रोल पे, तो CNG लगने के बाद इस गाड़ी में 500 रुपये लगेगा. जो आपके 30,000 रुपये लगेंगे महीने में, वहाँ 15,000 रुपये लगेगा. सीधा बात है. और गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये बचत है. अभी आप जैसे ये किट पे आपने जो है पैसे लगा रहे हो, ये मात्र 12,000 किलोमीटर में पैसा वसूल है. और जिस दिन आपने 1.5 लाख किलोमीटर चला लिया, गाड़ी के पैसे वसूल है. चलो आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा. जस्ट सी द क्वालिटी वंस अगेन, जस्ट सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग. मज़ा आ जाएगा फिटिंग देख के. एंड अब चलते हैं पीछे, आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ. दिस इज किया सेल्टोस. जो स्टैंड लगाया हमने, रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, जस्ट सी द क्लीनलीनेस. And almost 70% of the space is there to keep your luggage. बड़े से बड़ा लगेज आप सेल्टोस में रख सकते हो. 30% स्पेस ऑक्यूपाइड है, 70% स्पेस मिल गया आपको. रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड है. स्टैंड आपका मोल्डेड पाइप है और नट बोल्ट अपना TVS कंपनी का है. और डक्ट एक बार फिट करूँगा लीकेज चेक होने के बाद. अब चलते हैं CNG पंप, गैस डलवाते हैं, उसके बाद सेटिंग करते हैं और देखते हैं कितना सही हूँ मैं. आइए. सो दिस इज़ किया सेल्टोस एंड द किट इंस्टॉल इज मीजो BS6 8 इंजेक्टर विथ डायनेमिक एडवांसर एंड ऑल एसेसरीज.
जबरदस्त फिटिंग एज लाइक कंपनी फिटेड। एक बार भैया से पूछते हैं गाड़ी कैसी चल रही है। सर गाड़ी एकदम मस्त चल रही है, कोई शिकायत नहीं है, जैसे पहली थी मुझे तो बिल्कुल सेम वैसी लग रही है, मुझे फ़र्क नहीं लग रहा है कुछ। हमने सभी गियर में हमने इसको चला के गाड़ी खड़ी करके न्यूट्रल करके फर्स्ट में सेकंड में उठा के सब चेक कर लिया हमने। जी हाँ बिल्कुल, मैंने दो तीन बार ट्राई किया है और पहले फर्स्ट गियर पे भी सेकंड गियर पे भी, तो जिस हिसाब से उठनी चाहिए गाड़ी जैसे मेरी गाड़ी पहले उठा करती थी सेम उसी तरीके से उठ रही है, कोई भी खास मुझे फ़र्क मतलब फ़र्क खास तो छोड़िए मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। हाँ फिटिंग कैसा? फिटिंग परफेक्ट, मतलब टाइम लगा है सर 10 out of 10 जबरदस्त फिटिंग, जबरदस्त कोई शिकायत नहीं मुझे। चलो हाँ बहुत परफेक्ट है आपकी। थैंक यू ओके सर, रियली अल्टीमेट फिटिंग, गिवन आर होल सोल इन टू दिस। मज़ा आ गया भाई काम करके, मज़ा आ गया, लड़के ने बहुत बढ़िया काम किया है। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।